मेरे प्यारे बच्चों, जो अभी डाटा बताने वाला हूं, जो अभी तक के फॉर्म भरे हैं, उस डाटा को देखकर आप चौंक जाओगे। मैं खुद चौंक गया। जो पिछला डाटा और आखिरी के 6-7 दिनों में इतने ज्यादा फॉर्म भरे गए, मतलब लाखों में एक साथ इतने फॉर्म पिछले 20-25 दिनों में नहीं भरे गए जितने आखिरी के 6-7 दिनों में बच्चों ने भर दिए हैं। शायद सभी इंतजार कर रहे थे कि कौन से वाले जोन से ज्यादा फॉर्म भरेंगे, तो हम उस जोन से भर देंगे जहां सबसे कम भरे हुए हैं। जो भी है, पर बहुत ज्यादा एकदम चेंज एक होता है कि भाई ठीक है कि एक से दो ना, एकदम बहुत ज्यादा नंबरों का चेंज हुआ। और एक हमारा यहाँ पे एक स्टूडेंट बैठता, उसने RTI डाली थी, कितने फॉर्म भरे हैं, उसका भी एक रिप्लाई आया, उसके बारे में बताऊंगा वो क्या रहा है रिप्लाई, कि उनके जरिए कितने टोटल फॉर्म भरे गए। साथ ही साथ अगर आप एक चीज पर और ध्यान दोगे, जो मैंने खुद सोचा कि यार एक साथ इतने ज्यादा फॉर्म भरे कैसे गए, कल तक जो नंबर बहुत कम था आज इतना सारा कैसे हो गया, तो मैंने थोड़ी बुद्धि लगाई और थोड़ा सा उस डाटा को देखा। क्योंकि देखिए, मैंने आपको पहले ही बता रखा है, जो ये डाटा, एक रेलवे में कोई बड़े पद पर एक बंदा है, वो उसने अपनी वेबसाइट चला रखी है, वहां पर वो सारा डाटा डाल रहा होता है, तो उसी को अपडेट करता है उसके पास इंटरनली। और जैसा कि आज तो आखिरी दिन है, तो उसके पास अपडेट होकर जो भी चीज आई होंगी वो एकदम बहुत बड़े नंबर पर है। अब आप इस चीज को उससे और कन्फर्मेशन कर सकते हो। मैंने उस डाटा को देखा तो फिर ALP के ही फॉर्म भरे गए थे, फिर मेरे को ध्यान आया ALP के भी तो फॉर्म भरे गए थे। और अगर आप ALP के फॉर्म की बात करोगे, तो आज से पहले तक ALP और टेक्नीशियन एक साथ निकलता था, ALP टेक्नीशियन इस तरह से निकाला करते थे, तो अलग नहीं होते थे। तो कहीं ना कहीं ALP और टेक्नीशियन का 99% बच्चा सेम होता है, दोनों ही सेम तैयारी कर रहे हैं। यानी कि अगर दिल्ली से मान लो 1,00,000 बच्चा तैयारी करेगा ALP की, तो टेक्नीशियन की भी करेगा। यानी जितने फॉर्म ALP में डाले जाएंगे उतने टेक्नीशियन में। और दिल्ली से अगर 1,00,000 फॉर्म ALP वाला भर रहा है, तो कहीं ना कहीं मतलब थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है 10-1,000 का अंतर, पर वही सेम चीज आपको दूसरी जगह को देखने को मिलेगी। तो मैंने उस वाले डाटा को भी ऐसे दिमाग में चेक करता हूं, तो वहां से भी बहुत सारी चीजें मेरी क्लियर हुई कि हाँ, इतने फॉर्म तो भाई भरे ही जा रहे हैं, बिल्कुल सही डाटा लग रहा था मुझे। मैं आपको सारी चीजें दिखाता हूं। उससे पहले हर बच्चे का सिलेक्शन आसानी से हो जाए, जो भी आर्थिक स्थिति की वजह से थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हैं बुक्स वगैरह पढ़ने में, उसके लिए फ्री बुक निकाल रखी है। उसके साथ साथ देखिए, हर बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, कुछ ही पढ़ना चाहता है और सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो जो सिलेक्शन लेना चाहता है, जो पढ़ेगा ई बुक, तो वही एक हमने कोड भी दे रखा है। कोड को जब आप देखोगे, तो उस कोड को जब यूज करोगे, तो आपको हर एक बैच में 50% डिस्काउंट, बस उन बच्चों के लिए जो बुक पढ़ रहे हैं। क्यों? देखिए, फ्री ही चाहे, पर बुक को अगर पढ़ना कौन चाहेगा जो सिलेक्शन लेना चाहता है, ठीक है। एक ऐसी बुक है वो, जिससे पहले बच्चों ने सिलेक्शन लिया, आप भी लोगों को बहुत सारा नया मेटेरियल, बिल्कुल न्यू क्वेश्चन डाल दिया हमने, ठीक है। बहुत मेहनत करके, बहुत बड़ी टीम रखनी पड़ती है, टाइपिंग वाइपिंग करानी पड़ती है, खर्चा भी होता है उसमें, कम से कम 4-5 लाख का एक बुक को बनाने में खर्चा आता है। उसके बाद वो आपको फ्री में दी जा रही है, तो उसका कहीं ना कहीं फायदा उठाइए, और उसके बाद आपको एक डिस्काउंट कूपन भी मिल जाए 50% छूट के साथ, पर वो कूपन कोड वही मिलेगा जो आपकी ई बुक है, ठीक है। और उसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं, आप बुक को देखोगे, उसकी वीडियो बनाऊंगा अलग से, बहुत मजा आएगा। देखिए, आपको याद होगा 20 मार्च को मैंने एक डाटा दिया था। अब 20 मार्च तक तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, कहीं पे 7,000, कहीं 4,000, 6,000, 3,000, 6,000, इस तरह से फॉर्म भरे जा रहे थे। मैं भी सोच रहा, इतने फॉर्म कम क्यों भरे जा रहे हैं, और नीचे कमेंट कर रहे हैं बच्चे की, गुरुजी हम लास्ट के आखिरी दिनों में ही फॉर्म भरेंगे, आप हमें बताते रहना। हर कोई इंतजार में होगा। पहले कॉम्पिटिशन बस इतना आ रहा था, कहीं 64, कहीं 55, 47, 26, इस तरह से। शायद रेलवे में सबसे कम फॉर्म भरने की संख्या हो सकती थी, मुझे लगा ये तो बहुत ही ज्यादा कम डाटा जा रहा है, और मतलब मेरे को भी लग रहा है कि यार ये कैसे रियल हो सकता है। फिर उसके बाद अगला डाटा आता है हमारा 20 मार्च के बाद, 27 मार्च का। 27 मार्च तक भी बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ, आप देखो 7 से 12, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इतने दिनों में इतने फॉर्म भरना, ये बहुत नॉर्मल सी बात थी, रेलवे में इतने कम फॉर्म भरना तो बहुत कम बात है। रेलवे में बहुत सारे छात्र तैयारी कर रहे होते हैं, बहुत ज्यादा फॉर्म भरे जाते हैं। यहाँ पर भी कॉम्पिटिशन अगर आप देखोगे, तो वही कहीं पे 108 है एक सीट पे, 102, 177, 53, 46, 56, इस तरह से था। तो यहाँ पर भी लग रहा था कि कहीं ना कहीं यार कि एक नॉर्मल वो है, खेल है, इसमें आसानी से सिलेक्शन तो आपका आसानी से भी हो जाएगा, तैयारी करोगे तो सारा खेल तैयारी का। बट हाँ, अभी अगर आप इस चीज को देखोगे, तो ये है आज 8 अप्रैल का डाटा, जो उस भाई ने अपडेट कर दिया है अभी थोड़ी देर पहले ही। और इस अपडेट के हिसाब से देखा जाए, तो मेरी तो आंख फटी फटी रहेगी। और इसके बाद फिर मैंने ALP का भी डाटा आपके सामने लेकर आया हूँ। ALP का ये डाटा है, जो एक्चुअल डाटा जब आपका ये उस टाइम आया है जब आपके फॉर्म पूरी तरह से भर चुके थे, उसके बाद का डाटा है, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, तो आप देखो, तो आप क्या देखोगे कि चंडीगढ़ में जहां 27 तारीख की बात करें कि 12 ही भरे थे, अब वो एक साथ भरकर, हाँ 27 से लेकर अभी तक टाइम हुआ है, वो 27 से लेकर 8 अप्रैल तक अगर देखा जाए, तो कहीं ना कहीं 10-11 दिन बीते हैं, पर इसमें एक साथ इतने हजार फॉर्म भरे गए हैं। और अब हर सीट पे कॉम्पिटिशन 684 तक हो गया है। सिलीगुड़ी में मेरे भाई
यही 60,000 के करीब है। 722 एक सीट पर कॉम्पिटिशन। बैंगलोर में मेरे भाई 142 हर सीट पे, 563 का कॉम्पिटिशन, 80,000 के करीब फॉर्म। मुजफ्फरनगर में 113, 75,000, 663 पे एक सीट पर कॉम्पिटिशन। और गोरखपुर में 205 सीट थी जहां 94,000 फॉर्म भरे गए हैं और पर सीट कॉम्पिटिशन 458। अब आप एक चीज देखिए, 94,000 60,000 से तो बहुत ज्यादा है, पर यहाँ 94,000 भरने पर भी कॉम्पिटिशन कम है। अब आपको सर ये कॉम्पिटिशन कम क्यों, ये सिर्फ 440 क्यों है, सर थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, यहाँ पे कम क्यों है सर, ऐसी क्या दिक्कत है, यहाँ पे नंबर ऑफ सीट ज्यादा है। और आप अगर देखोगे ना तो इसका बहुत बड़ा, इस बार एक बहुत ही अलग गेम होने वाली है। ऐसा हो जाए ये समझ लो कि एक टीम में तो पक्के प्लेयर दे दिए, बड़े बड़े प्लेयर, धोनी इधर से, आपका कोहली दे दिया, रोहित शर्मा दे दिया, और एक टीम में नकली प्लेयर डाल दिया, ऐसा खेल कर दिया इन्होंने। इसको आता हूं बट इससे एक चीज को और समझाता हूं। आप अगर देखोगे तो मुंबई, बिलासपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, अगर हम साउथ की बात करते हैं, यानी अपने से यहां नॉर्थ से हटकर जहां हम रह रहे हैं, यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और जितने भी स्टेट हैं, जो यहां का बच्चा 99% तैयारी कर रहा है यहां के लिए, और अगर परली साइड वाले जो तैयारी ही नहीं करते उनकी बात करें तो बहुत ज्यादा फर्क है इधर वाले लोगों के लिए जो हमसे उस तरफ वाले हैं। वैसे तो हम सभी एक हैं, बट हम अगर देखें तो इधर वाले लोगों की अगर मैं बात करूं, जो इंडिया का दूसरा वाला इस तरह वाला हिस्सा है साउथ वाला, तो इधर बहुत ज्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। सबसे ज्यादा मुंबई में, पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे बिलासपुर पे, तीसरे नंबर पे चेन्नई पे, चौथे नंबर पे अहमदाबाद में, और फिर पांचवे नंबर पे सिकंदराबाद। तो अगर आप इतना हिस्सा देखोगे ना, इतना हिस्सा, ये सारा तो इसी तरफ आ रहा है। और जबकि आपको पता है यहां से 10-1% मैक्सिमम बच्चा तैयारी करता है, मैक्सिमम बच्चा सारा तैयारी करता है यहां पर। और इस पूरे की अगर मैं बात करूं, ये भी नहीं, इस पूरे इलाके को ले लो, क्योंकि यहां पे यूपी पड़ जाएगा, मध्य प्रदेश के लोग भी तैयारी करते हैं बहुत ज्यादा, तो इन सब के लिए बस इतनी सी वैकेंसी है। अब इनके पास एक ही ऑप्शन रहता है कि अपने घर छोड़ के कहां जाओ, इतनी दूर। और इंसान घर छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि देखिए जॉब भी जरूरी है और परिवार भी जरूरी है, और खासकर हिंदुस्तान में देखिए हम सब इसीलिए कमा रहे हैं कि हम अपने मम्मी पापा के लिए कुछ कर पाए और उनके साथ रह के उनके जीवन को खुश कर पाए। पर वो चाहेंगे मम्मी पापा की, चाहे बेटा दूर रहे हमसे, पर उसकी जीवन बने रहे। तो ये एक ऐसा बॉन्ड है, एक ऐसा प्यार है, जो मतलब ना समझना बहुत ऐसा है कि वो चाहेंगे कि हम सक्सेसफुल हो जाएं, वो उन्हें बताया हम अपने दिल के टुकड़े को दूर भेज रहे हैं। पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये तो बहुत गलत हो रहा है कि मतलब इस तरह से कुछ चीजें बिल्कुल मतलब अस्त व्यस्त कर रखी है उन्होंने। बट जो भी अभी हम डाटा भी बात करते हैं तो मुंबई, बिलासपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, इन बच्चों को और सिकंदराबाद, इनको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला, बहुत ही अलग लेवल पे, क्योंकि इधर के लोग बहुत कम तैयारी करते हैं और इधर बहुत ज्यादा सीट है, वैकेंसी बहुत ज्यादा है। तो होगा क्या कि मेरे भाई ये सभी बच्चे यहाँ से इलाहाबाद से इधर भागेगा कोई, और ज्यादा से ज्यादा मुझे लगता है कि और अगर तगड़ा कॉम्पिटिशन जाए तो बिलासपुर, क्योंकि बिलासपुर यहाँ पर है, और बिलासपुर अगर देखा जाए तो बिहार से ही पास पड़ेगा, मध्य प्रदेश से भी, और साथ ही साथ अगर आपकी बात करें मतलब कि रांची वगैरह से, हर जगह से ये बहुत पास पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत ज्यादा यहाँ पर आपको कंपटीशन देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा मुझे लगता है बिलासपुर में इस बार कंपटीशन रहेगा, जो मुझे लगता है। बट हाँ, इसे सेफ जोन कह सकते हैं, क्यों, इसमें वैकेंसी बहुत ज्यादा है। अगर मैं डाटा की बात करता हूँ जो इसमें फॉर्म भरे गए उसके हिसाब से, तो एक बार देख लेते हैं बिलासपुर के बारे में। तो बिलासपुर में मेरे भाई नंबर ऑफ वैकेंसीज तो बहुत ज्यादा है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 861 वैकेंसी है। फॉर्म 1,100,000, 1,000,000, 1,00,000 से ज्यादा भरे गए, बट कॉम्पिटिशन फिर भी 132 है। तो मैं इसे फिर भी सेफ जोन अभी तक मान के चलता हूं, अगर मैं इसे थोड़ा सा बड़ा करता हूं तो। आप सर सही बात है कि एक सबसे ज्यादा इसमें फॉर्म भरे गए हैं 1,14,000, वैसे यहां पे 1,13,000 भी है, पर 1,14,000 ये जो भरे गए हैं ये बहुत ज्यादा फॉर्म है। परंतु 132 मतलब एक सीट पर एक तो 32 बच्चे लड़ाई कर रहे हैं, और यहां अगर आप देखोगे तो एक सीट पे 700 बच्चे लड़ाई कर रहे हैं, कहां पे, सिलीगुड़ी में, क्यों, यहां नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत कम है। तो इस वैकेंसी का बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, तो मुझे फिर भी ये सेफ जोन नजर आता है। अगर मैं बात करता हूं मेरे भाई सिकंदराबाद की, तो सिकंदराबाद में भी कहीं ना कहीं नंबर ऑफ कॉम्पिटिशन अभी भी कम है। क्यों कम है, क्योंकि 744 वैकेंसी है, तो यहां से आप देखोगे तो 152% कॉम्पिटिशन आता है। जबकि जहां अगर चंडीगढ़ वगैरह इन सब की बात करोगे, अब चंडीगढ़ वगैरह में कॉम्पिटिशन क्यों रहता है उसको ना हम इस मैप से आसानी से समझ पाएंगे। आप जब चंडीगढ़ वगैरह की बात करते हो तो चंडीगढ़ हमारा यहीं कहीं पड़ेगा, ये रहा चंडीगढ़, ये पड़ रहा है। अब यहां के लिए कौन कौन से बच्चे द्वंद कर रहे होते हैं चंडीगढ़ जाने के लिए, हरियाणा पूरा द्वंद कर रहा है, इधर से यूपी भी, भाई यूपी चंडीगढ़ गाने उन्होंने बचपन से सुने, इधर से दिल्ली पूरा इससे लड़ रहा है, इधर के बच्चे भी यही आना चाहेंगे हिमाचल वगैरह के। तो यहां से बहुत बड़ा नॉर्थ का जो पार्ट है वो चंडीगढ़ जाना चाहता है,
इस वजह से वहां पे वैकेंसी कम होती है, परंतु कॉम्पिटिशन हाई रहता है, क्योंकि एक ऐसा इलाका है जहां जाके बच्चों को लगता है मौज मारेंगे, मजा आएगा और घर के पास रहेंगे, बट वहां कॉम्पिटिशन थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। तो ये चीजें आपको देखने मिली, पर इस चीज को और मैंने कन्फर्म करा कैसे, मैंने देखा कि यार कि ये जो डाटा है, इस डाटा को मैंने फिर एक डाटा और निकाला। कौन सा डाटा निकाला? एएलपी का। क्यों निकाला? क्योंकि एएलपी और टेक्नीशियन, मैंने जैसे कि आपको होता है, दोनों सेम तरह के ही बच्चे भर रहे होते हैं, बट हाँ यहाँ एक अंतर थोड़ा सा ये मिलेगा कि जैसे दिल्ली से 1,00,000 बच्चे फॉर्म जरूर भर रहे हैं, परंतु वो कौन सा जोन चुन रहे हैं वो वैकेंसी पे डिपेंड करेगा। आप समझ पा रहे हो इस बात को कि वैकेंसी पे, भाई जहां पे ज्यादा वैकेंसी है, ऐसा थोड़ी दिल्ली वाला बच्चा सारा पटना चुनेगा या कोई और जोन चुनेगा, वो चुनेगा वो जोन जहां पर ज्यादा वैकेंसी है, ठीक है। पटना की तो भाई एक बार पटना का और देख लेते हैं, बहुत सारे बच्चे हमेशा पटना की पूछते रहते हैं। पटना की अगर मैं प्यारे बच्चों बात करता हूं, तो पटना का ये रहेगा 84,000 तक यहां पर फॉर्म भर चुके हैं, अभी 380 पर सीट कॉम्पिटिशन है, बट ये कम नहीं रहने वाला, मुझे लगता है आज तक बहुत भर जाएगा, यहां पे कॉम्पिटिशन तगड़ा ही रहता है, बट इस बार मुझे लगता है ये सारे बच्चे मूव कर चुके हैं। ज्यादातर अगर मूव करे होंगे तो पटना के बच्चे ज्यादा से ज्यादा इस तरफ ही गए होंगे, कहीं ना कहीं बिलासपुर की तरफ ही मेरे को लगता है बच्चों ने मूव करा होगा, क्योंकि बिलासपुर जाने के लिए उनको इधर से गए और इधर से यहाँ पर आ जाएंगे, मतलब इस वाले एरिया में। ये पूरा जो इलाका है ये बहुत पास रहेगा बिहार के, जिससे कि कहीं ना कहीं बहुत सारा बच्चा, क्योंकि यहाँ से उनको चंडीगढ़ भी बहुत दूर है, तो बिहार वालों के लिए ये बहुत पास रहेगा, जिससे बिलासपुर में इस बार कॉम्पिटिशन देखने को मिल सकता है। बट अभी तक नंबर ऑफ फॉर्म के हिसाब से और नंबर ऑफ वैकेंसी के हिसाब से पर सीट कॉम्पिटिशन कम ही आ रहा है। बट अगर अभी हम बात करते हैं इसकी, किसकी, जो हमारा ये वाला है एएलपी का, तो एएलपी के डाटा से भी आप देखोगे तो कहीं ना कहीं 19,000-19,30,000 फॉर्म भरे गए हैं, तो इतने तो मिनिमम भाई टेक्नीशियन में भरे जाएंगे, क्योंकि टेक्नीशियन की वैकेंसी भी ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं उससे ज्यादा ही फॉर्म भरे जाने हैं टेक्नीशियन की। इस बात आप दिमाग में याद रखना, कहीं ना कहीं 25-1,00,000 फॉर्म आपको नजर आएंगे। वही मैं इतने दिनों से सोचता था, इतने कम फॉर्म कैसे भरे जा रहे हैं, क्या बच्चा तैयारी नहीं करना चाह रहा, पर एक साथ जो लास्ट में उन्होंने चौके छक्के उड़ाए, सबने एक साथ फॉर्म भरे हैं और एकदम ड्रेस्टिकली, मतलब एकदम चेंज ला दिया बच्चों ने। और ये जो डाटा है हमारा एएलपी वाला है, इसी तरह से सेम यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा जैसे यहाँ पे ये इसी तरह का यहाँ पे भी डाटा आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे 84,000 है, यहाँ पे 88,000 है, ठीक है। अच्छा एक चीज और, किसी बच्चे को अगर ऐसा लगता है कि यार हम यहाँ के हैं और हमारे को तो यार कुछ भी फायदा नहीं मिला, हम यूपी के, तो भैया यूपी के बच्चों के लिए इधर अगर राजस्थान वगैरह में जाओगे, ये वाला इलाका बहुत ज्यादा पास पड़ता है और यहाँ अजमेर जोन पड़ता है आपका, और इसके अंदर बहुत नंबर ऑफ वैकेंसीज ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा है, पर हाँ इसमें अगर आप वैकेंसीज की बात करोगे तो यहाँ पर भी वैकेंसी अजमेर में 522 है, कि कहीं ना कहीं यहाँ कॉम्पिटिशन आपका कम रहेगा। इसके कॉम्पिटिशन की अगर हम बात करते हैं तो एक बार डाटा को देख लेते हैं, लीजिए यहाँ पे क्या कॉम्पिटिशन चला, टक 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 अजमेर, अजमेर में अगर आप बात करो तो 522 सीट है, इतने फॉर्म भर चुके हैं। और ये फॉर्म ज्यादा क्यों भरे गए हैं, क्योंकि देखिए यूपी का मैक्सिमम बच्चा यही जाएगा अजमेर, क्योंकि उसे दूसरी जगह अब कोई दिखेगी नहीं, या तो वो प्रयागराज या अजमेर, पर प्रयागराज में बहुत ज्यादा सीट नहीं है, अजमेर में है, और अजमेर एक तरह से भाई यूपी भी बहुत बड़ा है अपने आप में। अगर आप देखोगे कोई बच्चा यूपी में यहाँ पे रह रहा है, ठीक है, कोई बच्चा यूपी में यहाँ पर रह रहा है, तो यूपी में यहाँ की जगह यहाँ जाएगा ना, वो यहाँ पे क्यों जाएगा, मतलब भाई उसके लिए तो ये भी फायदा, यहाँ रह रहा है तो वो यहाँ के फॉर्म भरेगा, क्योंकि उसके लिए तो राजस्थान ज्यादा पास है, बॉर्डर के पास रह रहा है भाई, जितने भी हमारे इधर के, यहाँ से 1-1.5-2 घंटे लगता है राजस्थान तक पहुंचने में, 2 घंटे 2.5 घंटे मैक्सिमम पहुंच जाता है इंसान, तो ये ज्यादा अच्छा रहता है उसके लिए। तो इसलिए अजमेर में भी कॉम्पिटिशन थोड़ा सा, मतलब फॉर्म भरे गए, बट ऐसा बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ अगर आप देखोगे तो ये वाला है 208 पर सीट कॉम्पिटिशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। कोलकाता में भी अगर आप देखोगे तो आपका 210 पर सीट, यहाँ पे वैकेंसी बहुत अच्छी है 506। तो अब आपको इस ग्राफ को समझना है, इसके हिसाब से आपको फॉर्म भरने हैं। अभी भी मैं अगर बात करूँ डेंजर जोन की, तो पटना हमेशा रहा है, गोरखपुर है, प्रयागराज है, चंडीगढ़, बट इस बार बिलासपुर पे वो है थोड़ा सा, कि अगर आज के बाद जो कल और एक बार डाट वो आ जाएगा उसके बाद पता लगेगा कि बिलासपुर का क्या रहने वाला है। मैं सेफ भी मान सकता हूँ, क्योंकि जिस तरह से अभी वैकेंसी बहुत ज्यादा है यहाँ पे, उसके हिसाब से सेफ है, पर ये डेंजर भी बदल सकता है रात तक, देखते हैं क्या रहेगा। कल वाली वीडियो में आपको और ज्यादा पता लगेगा। चेन्नई, बैंगलोर, तिरुवनंतपुरम, बिलासपुर, सिकंदराबाद तो बिल्कुल सेफ रहेगा आपके लिए, तिरुवनंतपुरम वगैरह भी सेफ रहेगा। डेंजर में ये तो हमेशा रहेंगे, इनका डेंजर तो डेंजर ही है, तो अलग ही लेवल पर है, ये हमेशा डेंजर में रहेंगे। अभी तो कुछ लोग और भी आ गए डेंजर में, जैसे सिलीगुड़ी वगैरह भी डेंजर में आ चुके हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि ये हमारे कुछ बैचेस चल रहे हैं, इन्हें आप ले सकते हो, और जो इनका प्राइस है इस पे एक डिस्काउंट भी मिल सकता है 50% एक्स्ट्रा, बट उन्हीं को जो ई बुक में जुड़ेंगे, ठीक है। ई बुक यानी कि फ्री मिल रही है, बस उसमें गूगल प्ले स्टोर आजकल कुछ चार्जेस ले रहा है, वो 11 रुपये लगते हैं, वो आपको वहां पर देने होते हैं ई बुक लेते समय।
और फॉर्म डेट मेरे भाई आज लास्ट डेट है 8 अप्रैल, तो आज लास्ट फॉर्म डेट भरी जाएगी। कुछ बच्चे 9 अप्रैल सोच रहे हैं, 9 ये मॉडिफिकेशन डेट स्टार्ट हो जाएगी, कोई गलती होगी तो उसे कैसे कैसे सुधारा जाएगा, वो भी चीज आपके लिए वीडियो ला दूंगा, कैसे मॉडिफाई करें, ये करें, वो करें, ठीक है। उस चीज की आपको टेंशन नहीं लेनी। दो तरह की वैकेंसी है, ग्रेड 1 ग्रेड 3, ये सारी चीज बता रखे हैं। ग्रेड 1 1000 के करीब है और ग्रेड 3 में 8000 के करीब है। ग्रेड 1 की वो जो उम्र है 18 से 36 और ग्रेड 3 18 से 33। 18 से 36 इनकी ज्यादा क्यों है भाई, क्योंकि ग्रेड 1 वाले थोड़े से हाई लेवल के बंदे होते हैं, तो ऊंची पोस्टों पर अक्सर आपको देखेगा कि भाई बहुत ज्यादा पढ़ाई करके बच्चों को लगना पड़ता है, तो उनको फील मतलब भाई ग्रेजुएशन और 12 इस तरह से दो तरह की वैकेंसी होती है, तो ग्रेजुएशन वालों की उम्र हमेशा ज्यादा ही पाएगी, इस हिसाब से वो 3 साल उनके एक्स्ट्रा करके छोड़ देते हैं। उसके अलावा एग्जाम की बात करूं तो मैंने बहुत बार बता चुका है, जून और अगस्त के करीब आपका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। किसका, एएलपी का, और टेक्नीशियन की अगर मैं बात करूं तो टेक्नीशियन का आपका एग्जाम हो जाएगा अक्टूबर और दिसंबर के बीच में, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता रखी है। उसके बाद अगली वैकेंसी की बात करूं तो जुलाई और सितंबर में निकलेगी, और अभी तो कोई वैकेंसी नहीं निकल सकती क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है। और इसके अलावा आपसे मैंने बता रखा है ई बुक में जुड़ सकते हो, और इस डाटा में आप एक चीज और जल्दी से देखेंगे कि मुझे एक बार और आप बताइए कि आप किस जोन से अभी फॉर्म भरने वाले हो, अगर फॉर्म नहीं भरा तो जिसने भर दिया उसने किस जोन से भरा है मुझे यही बताइए, जिससे कि मुझे पता लग पाए कि मेरा बच्चा कौन सा कहां से तैयारी करने वाला है। तो जल्दी से अपने अपने जोन भर दीजिए कमेंट में कि किससे भर दिया है और किससे भरने वाले हो और कैसी तैयारी चल रही है और क्या मुझसे मतलब चाहते हो कि मैं क्या आपके लिए कुछ चीज़ ऐसी सीरीज वगैरह लेकर आऊँ, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को।